दोस्तों अब हम हमारे 10th की क्वेश्चन में हम लिखने वाले दोस्तों अब हम लिखने वाले हैं कि देखो 3m इक्वल्स टू 5 मतलब 5m माइनस 8 अपॉन 5। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखने वाले हैं दोस्तों, ये 3m है जो हमें यहाँ पर लिखना है और ये इक्वल्स के बाद RHS है दोस्तों, तो इसे यहाँ पर लेना है दोस्तों, तो ये माइनस होके आएगा दोस्तों, ठीक है, इक्वल्स माइनस 8 अपॉन 5। तो देयरफॉर देखो दोस्तों, ये देखो 5 माइनस बिगर साइन है दोस्तों, 5 माइनस मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंटीजर्स में आप लेसन था दोस्तों, मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों, देखो कि यहाँ पर इंटीजर्स में प्लस माइनस हो तो माइनस आता है, मगर जिसको बड़ी साइन है देखो 5 है बड़ा है 3 के, 3 से 5 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर किसी भी नंबर के आगे माइनस साइन नहीं है तो समझ लेना दोस्तों ये प्लस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर माइनस है दोस्तों, ठीक है, माइनस है, तो अब हम इसे करते हैं 2m इक्वल्स माइनस 8 अपॉन 5। देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा कट, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, देयरफॉर 2m इक्वल्स 8 अपॉन 5, देयरफॉर m इक्वल्स 8 अपॉन 5। तो दोस्तों आप ये बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर 8 अपॉन 5 नहीं है, फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर किस आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये ऐसा 2 आएगा, ठीक है, 8 5 इंटू 2। तो दोस्तों अब हम इसे कर लेते हैं कट, 2 वन जा 2, देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 4 जा 8, तो दोस्तों वो कट यहाँ पर आ गया m इक्वल्स 5। दोस्तों ये था हमारा ये वीडियो, तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ज़रूर।